हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 30 अक्टूबर 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर आईपीएल 2023 की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग, इसके साथ ही करेंटली चल रहे T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी आज काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से, जहां पर कल की वीडियो में हमने आप सभी लोगों को बताया था कि किस तरीके से पंजाब किंग्स और उनके साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीमों के बीच में हमें एक ट्रेड होते हुए देखने को मिलने वाली है। और पंजाब किंग्स की टीम रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स की टीम से ट्रेड करने वाली थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पंजाब किंग्स की टीम रियान पराग को अपनी टीम में ट्रेड तो करना चाहती है, लेकिन उनका मानना है कि जितेश शर्मा को ये राजस्थान रॉयल्स को दे रहे हैं, जो कि अभी करेंटली इनके अकॉर्डिंग ज़्यादा बेहतर ऑलराउंडर है रियान पराग के कंपैरिजन में। तो ऐसे में ये रियान पराग के जो ट्रेड होने वाली है उसके बदले में जितेश शर्मा को तो देंगे, लेकिन ये उसके साथ ही कुछ पैसे भी चाहते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम से। अब देखने वाली बात होगी कि रियान पराग के साथ में कितने रुपये में पंजाब किंग्स और आर आर के बीच में डील होती है। फिलहाल गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है आज होने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबले को लेकर, जहां पर आज भारतीय टीम के सामने बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कि आज के मुकाबले में, जो कि शाम को 4:30 बजे से पर्थ में खेला जाना है, अगर इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को भारतीय टीम हरा देती है तो फिर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने वाली भारतीय टीम पहली टीम बन जाएगी, क्योंकि इस केस में 3 में से 3 ही मैचेस जीतकर भारत के 6 अंक हो जाएंगे और 6 अंक लेकर भारत की टीम सीधा पहुंच जाएगी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। और ऐसा करने पर भारत की टीम ना सिर्फ अपने ग्रुप की बल्कि इसके साथ ही दूसरे वाले ग्रुप को अगर आप मिला भी लें तो भी पहली टीम होगी जो कि सेमीफाइनल में जाएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और उनके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों के बीच में, जहां पर हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि किस तरीके से आरसीबी और उनके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स इन दोनों ही टीमों के बीच में हमें एक काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट ट्रेड होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो अब इस ट्रेड के रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने निकल कर आ चुकी है, कौन कौन से बड़े प्लेयर हमें आरसीबी और उनके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में ट्रेड होते हुए देखने को मिलेंगे, के साथ ही कितने करोड़ रुपए में दोनों ही टीमों के बीच में डील होने वाली है। इस सब के रिगार्डिंग अभी से कुछ देर के बाद हम आपको अपने चैनल के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाकर देंगे, जिसमें आप लोगों को इस ट्रेड के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ना सिर्फ इस ट्रेड बल्कि जितने भी ट्रेड प्लेयर्स हैं आपकी फेवरेट टीम के, जितने भी प्लेयर्स ट्रेड होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट भी उस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके साथ ही अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आज शाम को हम ट्रेड प्लेयर्स की सारी लिस्ट आप लोगों के सामने अपलोड करेंगे। तो वहाँ पर ऑलरेडी 6,000 से भी ज़्यादा लोग हैं, तो अभी आप लोग ट्रेड प्लेयर्स की लिस्ट को जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अब आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो, जो कि हमें करेंटली देखने को मिल रही है, इस ट्रेड विंडो में इन्होंने शार्दुल ठाकुर और उनके साथ ही अक्षर पटेल को ट्रेड विंडो के लिए अवेलेबल कर दिया है। और ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है टाइम्स नाउ के हवाले से, जहां पर इन्होंने बताया है कि शार्दुल ठाकुर को तो वैसे भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपनी टीम से रिलीज ही करना चाहती थी, तो इन्होंने इनको ट्रेड विंडो के लिए अवेलेबल कर दिया है। लेकिन अक्षर पटेल, जिनका लास्ट ईयर परफॉर्मेंस काफी ज्यादा शानदार रहा था, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम इनको ट्रेड विंडो में ट्रेड तो नहीं करने वाली, लेकिन इन्होंने इनको सिर्फ ट्रेड विंडो में ऑप्शन के तौर पर रखा है कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा ऑफर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मिल जाता है कि अक्षर पटेल से भी बढ़िया कोई प्लेयर इनको मिल जाए, तो फिर अक्षर पटेल को उस केस के लिए इन्होंने ट्रेड विंडो में रखा है, वरना इनको ट्रेड नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, और गाइस ये अपडेट निकल कर आ रही है केएल राहुल के रिगार्डिंग, जहां पर केएल राहुल की फॉर्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता है हर तरफ, और सारे के सारे क्रिकेट फैंस का यही मानना है कि केएल राहुल की फॉर्म जल्द से जल्द वापस आनी चाहिए। अगर केएल राहुल फॉर्म में नहीं आते हैं तो फिर उनकी जगह टीम में ऋषभ पंत को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे में भारत के जो असिस्टेंट कोच है विक्रम राठौर और जो बल्लेबाजी कोच भी हैं, उन्होंने बताया है कि अब केएल राहुल को भारत की टीम बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करेगी। इनके अकॉर्डिंग अभी T20 वर्ल्ड कप में हमें 2 ही मुकाबले देखने को मिले हैं, और 2 मुकाबले बहुत ही छोटा टाइम होता है, इतने से छोटे टाइम में आप केएल राहुल को
जज नहीं कर सकते कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है या फिर नहीं। उनके अकॉर्डिंग लास्ट के सालों में केएल राहुल ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है और भारत की टीम सिर्फ 2 मुकाबलों के आधार पर उनको T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप नहीं करेगी और आने वाले सभी के सभी मुकाबलों में केएल राहुल आप लोगों को भारत की टीम का पार्ट बनते हुए नजर आएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग इनके स्टेटमेंट से सहमत हैं या फिर नहीं। फिलहाल गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में और ये अपडेट निकल कर आ रही है BCCI के रिगार्डिंग, जहां पर अब BCCI के द्वारा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एक ऑफर दिया गया है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को BCCI चाहती है कि वो एक साल की पूरी डील साइन कर लें BCCI के साथ, जहां पर अभी ये IPL की नीलामी में तो हमें आते हुए नजर आते हैं और IPL भी खेलते हैं, लेकिन अब BCCI चाहती है कि पूरे साल ये BCCI के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जब जब BCCI चाहेगी तब तब इनको जितने भी T20 टूर्नामेंट्स है जिसमें BCCI पार्ट लेती है उन सभी में जाना पड़ेगा। जैसे कि IPL में तो ये खेलने के लिए आते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही जब मिनी IPL होगा या फिर जो बाकी T20 लीग होंगे जहां पर BCCI की फ्रेंचाइज है या फिर उनके शेयर्स हैं, तो वहां पर ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को खेलने के लिए भेजेंगे। हालांकि इन्होंने ये भी इनको भरोसा दिलाया है कि इसकी वजह से इनके इंटरनेशनल क्रिकेट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और जहां जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी तो ये अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में और ये निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी के रिगार्डिंग। एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है ऋषभ पंत ने, जहां पर अभी करेंटली ऋषभ पंत भारत के 15 सदस्यीय स्क्वाड का हिस्सा तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही वो भारत की प्लेइंग 11 में हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऋषभ पंत ने बताया है कि इस बार का IPL सीजन जो कि उनका बल्ले के साथ काफ़ी हद तक खराब गुजरा था, उस IPL के सीजन के बाद वो MST के पास गए थे कि उनको अपनी बल्लेबाजी में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए क्योंकि वो अच्छी फॉर्म से नहीं गुजर रहे थे। तो MST ने ऋषभ पंत और उनके साथी हार्दिक पांड्या की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनको बल्लेबाजी और फिनिशिंग के टिप्स तो दिए ही, लेकिन इसके साथ ही MST ने उनको ये भी सलाह दी थी कि वो राउंड बॉटम बल्ले का इस्तेमाल करें। जिस तरीके से अगर आप लोग MST के बल्ले को देखेंगे तो उनका बल्ला नीचे से बिल्कुल भी सीधा नहीं रहता है, उनका जो बल्ला है वो राउंडेड रहता है और ऐसा करने की वजह से वो बॉटम हैंड से ज़्यादा पावर को जनरेट कर पाते हैं। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से उन्होंने हार्दिक और ऋषभ पंत को भी ये सलाह दी थी कि वो एक तो भारी बल्ले का यूज़ करें और उसके साथ ही उसके बॉटम को राउंडेड रखें। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है ट्रायल कैंप, जो कि हमें सभी IPL टीमों की साइड से हमने आपको बताया था कि ट्रायल कैंप लगाए जाने हैं IPL की नीलामी से पहले, ताकि नीलामी से पहले सभी प्लेयर्स को चेक किया जा सके कि कौन सा प्लेयर अच्छा है और कौन कौन से प्लेयर्स को नीलामी में टारगेट किया जाना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग हमें अलग अलग IPL टीमों के ट्रायल कैंप देखने को मिले थे, जहां पर सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने जो होम उनके पिच है वहां पर ट्रायल कैंप ऑर्गेनाइज किया था। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने भी कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में अपने ट्रायल कैंप को ऑर्गेनाइज किया था और उनके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी चेपॉक स्टेडियम में अपने ट्रायल कैंप को ऑर्गेनाइज किया था, जहां पर मोस्टली राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बल्लेबाजों का ट्रायल लिया, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने तेज गेंदबाजों का और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने तेज गेंदबाजी के साथ साथ ही स्पिन डिपार्टमेंट का भी ट्रायल लिया था। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।